हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे नारियल की बर्फी। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो ये देखें, ये मैंने नारियल ले लिया है। तो ये कच्चा नारियल ले लिया है मैंने, इसको हमें छीलना है, ये ऊपर वाला हिस्सा निकाल देना है इस तरह से। तो पूरा नारियल छील लेते हैं इसी तरह से, ये देखें। तो इस तरह से ये पूरा साफ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये छील कर इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो दरदरा कर लेते हैं, ये देखें, इस तरह डालकर थोड़ा थोड़ा चला लेते हैं इसमें। तो देखिए इस तरह से कर ली, तो सारा नारियल हम इसी तरह कर लेंगे। तो देखिए नारियल का गुदा बना लिया है और ये कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो ये हम इसमें एक चम्मच डाल देते हैं। तो घी डालने के बाद ये जो नारियल का बुरुदा है वो भी इसमें डाल देते हैं हम। तो इसका पानी खुशक होने देते हैं और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। ऐसे चलाते रहेंगे इसे। तो इसे हमें चला चला कर 5 मिनट हो गए हैं। तो इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसे चला लेते हैं। तो इसमें हम चीनी डालेंगे। तो ये देख लें, लगभग ये 2 भरकर कटोरे होगा ये वाला। तो हम इसका आधा डालेंगे, 1। तो देखिए चीनी अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ये डाल देती हूँ। फिर इसे मिलाते रहेंगे साथ साथ में इस तरह से। तो लगातार चलाते रहेंगे इसे। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। डालने के बाद थोड़ी सी देर हम इसे चला लेंगे। गैस को हमने हल्का ही रखा है, इस तरह से चला लेंगे। फिर इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मलाई डाल लेंगे। और मलाई भी नहीं है तो फिर आप दूध डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी ये मिल्क पाउडर ले लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके और मिला देती हूँ। बस चलाते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है कि लगातार और गैस को हल्का रखना है। ये भी डाल देते हैं इसमें हम, इसे अच्छे से चलाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे चलाएं। तो जब तक इसकी चीनी ना घुले इसी तरह चलाते रहें, और बनने लगेगा तभी ये बन जाएगा, जब खट्टा होने लगेगा। तो इस तरह से चलाते रहें, गैस को हल्का रखें। थोड़ा सा घी हम और डालेंगे इसमें बाद में, थोड़ा सा और डाल देते हैं और फिर अच्छे से हो जाएगा ये। 1 चम्मच पहले डाला था और ये 1 चम्मच बाद में। तो इस तरह इकट्ठा जब होने लगेगा और चीनी बिल्कुल घुल जाएगी, जब तक हमें ये चलाते रहना है। ये देखिए इकट्ठा होने लगा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। तो अभी 1-2 मिनट के लिए और हम इसे चलाते रहेंगे ऐसे ही। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है, इसे हम इस ट्रे में निकालेंगे
और इस पे मैंने घी लगा लिया है पहले से ही। गैस को बंद कर देते हैं और इसमें हम निकाल लेते हैं। तो देखें ट्रे में निकाल लिया है, एक कटोरी ले ली है, उसमें भी मैंने घी लगा लिया है ताकि वो चिपके ना। इस तरह से पूरी ट्रे में हम फैला देते हैं इसे एक साथ। इस तरह से एक सा कर लेते हैं। फिर इसे हम कट कर देते हैं। तो इस तरह फैला दिया है और हम इसे कट कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह कट करते हैं। इस तरह से कट कर देंगे हम। फिर इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसे गार्निश कर देंगे हम। तो आप किसी भी चीज से इसे गार्निश कर सकते हैं, बादाम से और भी चीजों से। मैं ये गार्निश कर देती हूँ इसकी और फिर इसे ठंडा करके निकाल कर दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स ठंडी हो गई है ये बर्फी, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो सारी बर्फी हम इसी तरह निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से बन गई है ये और टेस्टी है बहुत ही खाने में। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले।